गाइस सत श्री अकाल की मैं तुसी सारे होप कर दी हां तुसी सारे जने वधिया होवोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ते मैं अपना अज दा ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हां। सो अज मैं काम कार नबेड़ के वेली हो गई हां फिलहाल ता ते टाइम हो रहा है 12:15 दा ते मैं सोचया हुण चलो आपां कुछ बना के खावा। सो बनाउण दा मन सी मेरा पास्ता, सो आपां हुण पास्ता बनावांगे तो ओदी रेसिपी भी मैं तुहानू शूट करके विखावांगी कि किवें किवें मैं पास्ता बनाती हाँ। सो तुसी भी बना लियो तो बहुत वधिया बनता है। मैं बाहर का पास्ता इन्ना नहीं सही लगता, पास्ता मैं घर ही बना के खाने कंफर्टेबल होंगी है मतलब। तो चलो हूँ आप पास्ता के इनग्रीडियंट्स कुछ अपने को होर देखते हैं आपू की लैना पैना, तो मैं बाहर शॉप साढ़े नेड़े ही है उतों लिया के फिर आप स्टार्टिंग करते हैं ब्लॉग की। तो बने रहो मेरे ब्लॉग च, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लियो, लाइक शेयर कमेंट करो। तो जो भी थोड़ा वीडियोज़ जिन्हें भी रेसिपीज़ वगैरह चाहिए होगी सजेस्ट करो, मैं कोशिश करांगी कि जल्दी तो जल्दी थोड़ा रेसिपीज़ बना के अपने चैनल पर विखा सकाँ ताकि थोड़ा भी थोड़ा कुकिंग स्किल इंप्रूव हो जाए। दैट्स वाई सो चलो मिलते हैं आप ब्रेक तो बाद। हाँ जी, तो ये मैं पास्ता के इनग्रीडियंट्स ले लेने, प्याज, कैप्सिकम, टमैटो की प्यूरी, तो रेड चिली सॉस, वाइट सॉस मैं आप बनाई आ, गार्लिक पेस्ट, तो हरी मिर्चा थोड़ी जी, थोड़े थोड़े मसाले अपने, तो साइड पर हैगा फूड कलर। हूँ अपने इतने कढ़ाई रख देनी है पास्ता उबालन लई। सो तुसी एक बार दोबारा इनग्रीडियंट्स नूं ध्यान नाल देख लो। ए वाइट सॉस की रेसिपी भी मैं तुहानूं दस्सांगी अलग तो, ते इहनूं तुसी चीज़ की जगह भी ऑप्शनल यूज़ कर सकते हो। हुण मैं कढ़ाई च पानी पा के पास्ते नूं उबालांगी, ते पास्ता मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हाँ तां करके मैं घट क्वांटिटी ले आया सारा इनग्रीडियंट्स भी तो पास्ता भी। तो ये मैं ऑयल मिक्स करता है थोड़ा जा, हूँ ये ऐड करूँगे आप नमक, तो नमक भी मैं ऐड करता है। नमक तो बाद ऐड करना है अपने पास्ता, तो तुसी देख सकते हो मैं ये पास्ता भी ऐड करता है। इनू अपने 4-5 मिनट चंगी तरह उबालना है, मतलब ज़्यादा पकाना भी नहीं है। सब जो अपना पास्ता है जो उबल रहा है, तो पास्ता अपना उबल रहा है देख सकते हो तुसी। सो पास्ता उबल चुका है, इनू साइड पर कढ़ लेंगे। तो ये अपने पास्ता साइड पर कढ़ लिया है। हूँ आप साइड पर ऑयल गर्म कर, वैसे तो ये बटर भी पा सकते हो तुसी। तो ये प्याज हूँ पाऊँगी, प्याज अपने ये पाते हैं, प्याज में ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो सोटे ही करना है सिर्फ। तुसी देख सकते हो प्याज अपने हो गए ने। ये हूँ मैं ऐड करांगी कैप्सिकम, कैप्सिकम नू भी अपने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये इटालियन डिशेज जो भी होंदिया ने इन्हें जो भी सब्जियां वगैरह पाते हैं उन्होंने ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा जस्ट सोटे करना चाहिए है। सो कैप्सिकम भी अपना सोटे हो चुका है ऑलमोस्ट। ये हूँ मैं ऐड करता है पेस्ट, पेस्ट तो बाद हरी मिर्चा, इन भी अपने चला लेना है। सो तुसी देख सकते हो शिमला मिर्च ते प्याज अपने हो चुके ने। ये ऐड करता मैं टमाटर का प्यूरी, ते ए तो बाद नाल ही हूँ मैं ऐड करांगी ये जो भी अपनी रेड सॉस है, रेड चिली सॉस। सो तुसी देख सकते हो प्यूरी अपनी हो गई है, तो ये मैं ऐड करती है रेड चिली सॉस। सो नाल ही मसाले पा देने हैं थोड़े थोड़े। तो ये मैं ना एक आज न्यू ट्रिक ट्राई की सी, ये मैं ना जो मैगी मसाला होंदा है वो पाया सी, जो बहुत बढ़िया मतलब मैं टेस्ट लग्या थोड़ा डिफरेंट। तो मैं फूड कलर पाया ये अपने पास्ते का कलर बढ़िया आ जाएगा।
सो तुसी देख सकते हो कितना वधिया कलर आया हैगा। सो तुसी देख सकते हो कितना वधिया इहदा कलर आया हैगा। तो इहदे च हुण मैं ऐड करता है मैगी मसाला। इहनू ऐड करके मतलब अपना पास्ता जो है वो डिफरेंट टेस्ट कर रहा सी, बहुत वधिया लग रहा सी। तुसी भी ट्रिक ट्राई कर सकते हो अगर तुसी पास्ता खा खा के एवें डेली रूटीन वाला बोर हो चुके तो ये ट्राई करो। तो हुण मैं इहदे च ऐड करती है वाइट सॉस जो मैं घर बनाई सी, इहदी रेसिपी भी मैं पाऊँगी। हुण इहदे च मैं पास्ता ऐड करता है, तुसी देख सकते हो। तो इहनू 2-4 मिनट चंगी तरह इहदे च मिक्स करना है ताकि इहदे च सारे मसाले ऐड हो जाण, है ना। सो अपना पास्ता जो है बन के रेडी हो चुका है। तो तुसी देख सकते हो कितना वधिया इहदा कलर आया हैगा। ते होर रेसिपीज़ लई मेरे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करें।